अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हमें फिर से एक हैकर मिलने वाला है, और इतने ज़्यादा हैकर मिलने लग गए ना गाइस। आज मैं खेला तो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने आज 25 गेम्स खेली होंगी ना, तो लाइक 15 में तकरीबन हैकर मिले होंगे। और ज़्यादा मिल रहे थे यूरोप में, तो फिर मैं मिडिल ईस्ट खेलने लग गया। तो बहुत ज़्यादा हैकर आ रहे थे, तो हमें कोई सस्ती शायरी भी हैकर से बनानी चाहिए थी। तो अर्ज़ किया है कि जब बच्चे करते हैं शोर तो गालियां खाते हैं, लॉल खाते हैं ऐसे है ना, जब बच्चे करते हैं शोर तो गालियां खाते हैं, वाह 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 वाह, जब बच्चे करते हैं शोर तो गालियां खाते हैं, आजकल हर दूसरी गेम में हैकर आते हैं, सस्ती शायरी विद एनोनिमस। वैसे गाइस ये बात सच है कि हैकर बहुत ही ज़्यादा आने लग गए। और अब मुझे बताओ, अगर हैकर की वजह से आपके सबसे ज़्यादा कितने माइनस हुए थे रैंक पुश के दौरान, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बहुत मुश्किल, इस गेम में भी गाइस हैकर आ गया था, लेकिन इस गेम में कुछ अलग ही वो हो गया था सीन हमारे साथ, तो वो भी अब देख लेना क्या हुआ था। लेकिन इस गेम में एक हैकर आया था, मैं आपको दिखाऊंगा। हम आए थे पोचिंगी यानी पिंडी, और फिर हमें यहाँ पे मिली AKM, जो कि बहुत ज़्यादा लोग है ना, बहुत पावरफुल है। गन फाइट हो गई थी, हमारे पाकिस्तानी भैया थे CM साहब के भैया, इनको हमने डाउन किया। और ये भाई अरशद भैया ने तो हमें डराई दिया था, अंदर TP प्लेयर थे वो भी उजी लेके, भाई दिल की धड़कने तेज हो गई। अब एक बंदा सामने वाले घर में है गाइस, तो यहाँ पर इसको डाउन किया हमने जारोक भैया को भी, इनके 3 बंदे डाउन है, चौथा बंदा गाइस मुझे नहीं पता था कहाँ पर है, जाके फिनिश करना चाहिए हमें जारोक भैया को। बाकी 2 बंदे ही मैंने फिनिश ओके हाँ एक कर दिया था मैंने, एक नहीं किया, तो पता नहीं मेरा किल चोरी ना हो जाए। और जब गन फाइट होती है ना, तो आपको अपने किल की फिक्र भी रहती है, कितने नॉक कर दिए थे, किल नहीं मिला। तो बाबा जी यहाँ पे मैं M4 मैं पता क्यों आया था ऊपर, जारोक भैया के पास M4 थी ना, तो मुझे M4 चाहिए थी, इसलिए मैं M4 लेने आया था। तो बस AK है, M4 है, और सामने गए अलग बंदे थे। हमें स्प्रे करके इस भाई को डाउन किया, फिनिश करना चाहेंगे हम। विंडो चेंज की, टैप 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 टैप, अपना किल कंफर्म किया, क्योंकि बाबा जी किल का नो मजाक। व्हेन यू सी द बंदा यू जस्ट रन 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 रन, निकालिंग योर गन एंड मारिंग बंदा, इज कॉल्ड किल का नो मजाक बाबा जी। अब सामने गाइस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जिसका बंदा मैंने कंफर्म किया था ना, उसका एक टीममेट ये ग्रीन छत वाले घर के ऊपर वाले फ्लोर पे है, एक उसका नॉक पड़ा है, जिसको M4 ग्लेशियर वाले बंदे ने मारा, ये अलग बंदा है, ग्रीन छत वाले घर में अलग बंदा है, मैं अलग बंदा हूँ, ये तीनों सोलो सोलो हैं। लेकिन ये जो ग्लेशियर वाला बंदा है, ये सोलो स्क्वाड खेल रहा है, और भाई क्या इसने बैंड बजा रखी थी पूरी, इतने किल उठा रहे थे यहाँ से, तो मतलब थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था क्योंकि मेरे पास हेलमेट भी नहीं था गाइस। तो जब उसने रश किया ऊपर वाले बंदे पे, उसको डाउन किया, किल फील्ड में नाम आया, तो मैंने आगे रश कर दिया M4 वाले पे। और ये देखो उसको पता मैं यहाँ आया हूँ, कैसे ये पहले से मार रहा है, मुझे नहीं पता गड़बड़ है या नहीं है, आप लोग बताना। उसको पता था मैं वहाँ पर आया हूँ, उसने प्री फायर दिया, अच्छी बात है मुझे हेलमेट मिल चुका है, और वो हेल्थ भी कितनी जल्दी खाएगा गाइस। वहाँ पे आप क्या करना, वीडियो जो स्पीड स्लो करके देखते ना वैसे करके देखना, और मुझे बताना। अब मैं चाह रहा था कि मुझे थोड़ा सा ये मौका दे दे, मैं जाऊँ छत के ऊपर और वहाँ जा के मैं थोड़ा सा मतलब इसको डाउन करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी नॉर्मल तरीके से इसको मारूँ, थोड़ा मुश्किल बनाना पड़ेगा उसके लिए और अपने लिए आसान। तो मैं छत पर आ जाता हूँ बाबा जी अकल इस्तेमाल करते हुए। तो गाइस यहाँ आपने देखा इस बंदे ने कितनी जल्दी हेल्थ खा ली, तो फिर भाई कंफर्म करना तो बनता था, और मैं उतरा भी लाइक साइड पे जम करके और फिर डायरेक्ट नीचे उतरा, मैंने कहा ये ना मर ही जाऊँ मैं, सारा गेम प्ले का बैंड बज जाए। तो फिर मैं हील करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, कि मुझे लग रहा था इसकी टीम में ट्रश कर देंगे, तो एक जगह सेफ देख लेता हूँ वहाँ पे हील करता हूँ, क्योंकि मेरे पास गाइस फर्स्ट एड भी नहीं था, फर्स्ट एड तो जल्दी से लग जाता है। बैंडेजेस लगाए, हील की, फिर इसी भाई की बॉडी लूटेंगे M4 ग्लेशियर वाले, इसने बड़े बंदे मारे थे गाइस यहाँ पर चिंकी में, मज़े से इसकी बॉडी लूटने के बाद बाबा जी हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये भाई जो है ना वो सोलो ही आए थे, इनके टीममेट पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, इन्होंने कहा था भाई हम सोलो स्क्वाड जाएंगे, हम पचिंके जा रहे हैं, आप कहीं और जाओ, बट बाबा जी ऐसे कैसे आराम से की इसकी लूट, और हम यहाँ से निकलेंगे अब थोड़ा जंप वम करके। जितने मैंने बॉट वॉट वहाँ पर एक मैंने बॉट मारा था गाइस, नहीं बॉट मैंने नहीं मारा था, बॉट वहाँ पे आया था बट स्प्रे किया था किसी ने और मेरा किल चोरी कर लिया था, तो हाँ मेरे पास से बॉट दूर से किसी ने मारा था, उसकी बॉडी लूटी। फिर गाइस इतनी दूर आके हमें बगी मिलती है, जो हम यहाँ से बगी उठाते हैं, रोजक की हिल पे आया था गाइस। तो ये लेफ्ट में देखो किल फील्ड में नाम आ रहा है, इस बंदे ने ना इतने बंदे मारे, अभी एक दो बंदे इसने मारे, ठीक है। अब ये देखो पूरा स्क्वाड ये ले गया पाकिस्तानी, देखते जाओ आप, हेडशॉट बंदा गया, ठीक है, ऐसे इसने हेडशॉट मार के पूरा स्क्वाड खा लिया, और ये ऐसे बंदे मार ही जा रहा था हेडशॉट कभी DP से कभी M4 से, ये देखो पूरा का पूरा स्क्वाड ले गया ये पाकिस्तानी। तो सामने चली गई बाबा जी फ्लेयर गन, फ्लेयर गन को तो छोड़ नहीं सकते हम, सीधा रश करने आ गए थे, बाना उस पर फ्लेयर गन की तरफ,
और यहाँ पूरा स्क्वाड अरबियों का वेट करता है। शुक्र है ये हैकर वाला स्क्वाड नहीं था। बेचारा भाग के खुद से बगी के आगे आ गया जम के नीचे और यहाँ इनसे हो जाएगा पंगा। गाइस कैसे ये लोग अपने नॉक वाले टीममेट को बेट बना रहे थे, एकदम फील्डिंग बिछा के बैठे थे भाई, जैसे ही आएगा इसकी बैंड बजा देंगे, क्योंकि इनको पता है गाड़ी नहीं आई सिर्फ बगी आई और बगी में भी एक ही बंदा है, नॉक वाले ने बता दिया होगा। अभी बंदा आए थे शैक के पीछे तो मैंने एक नेट निकाला थोड़ा दूर जाके ताकि उनको आवाज़ ना आए, लेकिन मुझसे यहाँ पे एक गलती हो जाती है, वो है मैंने बहुत ज़्यादा कुक कर लिया नेट। नेट फटा तो सही लेकिन थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था, शायद एक नॉक मिल जाता। अभी पूरे चार बंदे गाइस, ये क्लोज आ रहा था मैंने इसको डाउन किया, वो देखो शैक के पीछे बंदा नजर आता है, तो एक इनका कंफर्म है, एक इनका नॉक है, तो बाकी बचे दो बंदे। अब मुझे इस बंदे को रिवाइव नहीं होने देना, तीन नॉक मतलब तीन डाउन है और इसको रिवाइव नहीं होने देना, तो मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। अब गाइस एक ही बंदा बचा है इनका जिंदा है और एक नॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने फिर से उसको डैमेज दिया, मैं ज़रा इनको चांस नहीं दे रहा था। लाइक एक होता ना आप एक स्क्वाड को थोड़ा सा चांस दे देते हो आपको मारने का या आपका रश करने का, वो मैंने इनको दिया ही नहीं, एकदम डरा के रखा, शुरू से डैमेज देता रहा और इनको संभलने का मौका नहीं दिया। अब बंदा अंदर जाके गाइस लेट चुका है, मैंने यहाँ से देखा, तो उसके बाद अब मैं क्या ट्रिक यूज़ करूँगा, एम करके बैठा वो, तो गाइस उसकी हेल्थ तो कम थी ही, अब वो बिल्कुल दरवाजे पे एम करके बैठा था, तो जब कोई एम करके बैठा ना आप जंप करके थोड़ा सा दूर चले जाओ ताकि उसका एम ख़राब हो जाए और उसके बाद आप उसको डाउन कर सको। तो यहाँ मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने थोड़ा सा जंप किया शैक में अंदर की तरफ आ गया ताकि उसका एम ख़राब हो और मुझे तो पता था वो कहाँ पर है, तो इसलिए हमने उसको डाउन कर दिया। अब गाइस 9 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे, लेकिन आप देख सकते हो कि सर्कल बहुत बड़ा है और 16 अलाइव है सिर्फ, तो हैकर भैया ने फुल धूम मचा रखी थी। अभी ये कॉर्स कॉर्ड उड़वा दिया था उन्होंने, लेकिन जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं उनको पता होगा कि रात आया था, तूफान बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो लाइक जब मैं ये गेम प्ले बना रहा था ना तो मतलब मौसम बहुत ख़राब था। अब देखो लेफ्ट पे एकदम फिर उसी के वाले भैया ने पूरा पाकिस्तानी स्क्वाड मार दिया और एक से ज़्यादा बंदे मारे हेडशॉट, ये देखो ये भी डीपी का हेडशॉट, इसने बैंड बजा दी पूरे सर्वर की। और गाइस मैं यहाँ पे आया करीब और यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो मेरे साथ शायद पहले एक दो बार हुआ है वीडियो में, और यहाँ पे दोबारा वही सीन हो जाता है, 3 2 1 हो भी जा ये लो, मतलब लाइट चली जाती है और जब तक मैं डाटा पे कनेक्ट करके वापस से आता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ, ओ बैंड बज जाती है हमारे गेम प्ले की और हमें सीधा लॉबी में भेज देते हैं ये, तो मतलब वापस से ज्वाइन नहीं हो पाता डाटा पे जाने के बाद भी। तो बाबा जब एक गेम प्ले में तो हम आपकी छुट्टी कर नहीं सकते, एनोनिमस की पब्लिक भाई नाराज़ हो जाएगी, तो हम आए थे दूसरे गेम प्ले के साथ और ये वाली लॉबी बहुत अच्छी आई थी, 9200 आरपी बड़े लोग, और गैस मैं अपनी आरपी हाइड करके रखी हुई है, ऐसे ही दिल नहीं करता शो ऑफ वाला सीन हो जाता ना तो मैं हाइड करके रखता हूँ, तो मेरी मतलब अभी 100 ही है, फुल हो चुकी है और पॉइंट्स भी काफ़ी ऊपर हो चुके हैं आरपी के, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं आपको मिशंस करने के, लेकिन मेरा दिल नहीं करता लगाने का आरपी, तो मैं हाइड करके रखता हूँ, ऐसे ही ऑफ करके रखता हूँ। हम जा रहे थे गैस लाहौर यानी जॉर्जपुर, और हैदराबाद भी पास में ही है ना हॉस्पिटल, क्या नाम रखे गाइस, अपने नाम रखने चाहिए, मतलब अपने शहरों को प्रमोट करना चाहिए भाई। और हम आगे थे गाइस, जब में मज़े का सीन हुआ था, ये अकेला भाई आ रहा है, ये हमारा पाकिस्तानी भाई है, इसने ऑल पे आएगा बोला था कि जॉर्जो आ जाओ जॉर्जो आ जाओ, ये बेचारा अकेला आ गया, मैं सुन के आ गया जॉर्जो, मैंने कहा बुला रहे हैं तो भाई चलते हैं, लेकिन ये भाई अकेले आ रहे हैं, मतलब सोलो स्क्वाड वाला सीन, लेकिन इन भाई के साथ थोड़ा सा प्रैंक होने वाला है, मैं बताता हूँ कैसे। ये वेरस उतरे तो मैंने इनके क्लोज ले लिया एकदम, और मुझे उतरते मिल गई M416 लग, देख रहे हो, हाँ 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 जल रहे हो, नहीं नहीं जल रहे वैसे, लॉल मजाक कर गाइस, यहाँ पे आके मैं लेट गया और वो आए हमारे भाई, आइए सर जी हमने तो आपका देखा ही नहीं, ऐसे कैसे बाबा जी, जब तक भाई ने देखा लेट हो चुका था और भाई नॉक हो गया, इनको रिवाइव करने के लिए भी कोई नहीं था, तो हमने अभी इनको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद बाबा जी इनकी बॉडी देखी तो इनके पास VSS थी, मतलब एक वेयर हाउस से इनको गन मिल गई थी, हेलमेट सॉरी वेस्ट और बैग भी मिल गया था। फिर गैस हमने सुकून के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ पूरे जॉर्जपुल की लूट की, जितना टाइम लगा लगने दो भाई, आराम से लूट करेंगे, कोई नहीं था, जल्दी नहीं थी, फिर गाड़ी नहीं होती तो हमारे जाते हैं स्क्वाड्स के पास 3-सीटर लेने के लिए और अब टीममेट को उठाएंगे और चलते हैं हम बंदे ढूंढने के लिए। तकरीबन आधे बंदे रह गए थे क्योंकि हमने आराम सुकून से लूट की थी, जल्दबाजी नहीं की थी, और मज़े के बाद हमारे पास फ्लेयर है तो आपको फ्लेयर देखने को मिलेगी, हम आसमान में चलाएंगे फ्लेयर लॉल, लेकिन ये हमारा सब अब प्रैंक हो जाता है, आगे से आ रहा होता पूरा पाकिस्तानी स्क्वाड, ये मिक्स है, अरबी भी हैं पाकिस्तानी भी हैं, तो इन्होंने भाई हमारे पीछे गाड़ी लगा दी और हम भाग भी नहीं सकते लाइक इनसे ना, क्योंकि हमारे पास 3-सीटर है,
तो मैंने यहाँ पे बस रोक दिया अपना थ्री सीटर और मैं भग लिया साइड पे, क्योंकि चार के आगे रुकना मतलब बेवकूफ़ी होगी गाइस, तो इसलिए मैं घूम के आ गया पीछे। और यहाँ से जब देखा वो थोड़ा सा आगे गए तो मैं समझ चुका था कि वो हाइट ले रहे हैं, रिज पे जाके मारने का सोच रहे हैं, तो इसलिए मैं घर के अंदर आ गया कवर के अंदर। मैंने यहाँ से देखा तो ऊपर ही जा रहे थे। इस वाले बंदे को डैमेज दिया मैंने। अब गाइस ये क्या है, मिक्स बंदे हैं। ये बंदा नज़र आया, मार रहा था तो मैंने यहाँ पे इसको डाउन किया। एक बंदा डाउन है, दूसरा ऊपर है। ओके तो ये भाई मतलब रिवाइव करने जा रहे थे, अचानक से जंप करने लग जाते हैं। और ये देखो गाइस, अगर अब मुझे एक बात, अब मुझे ना ऑनेस्टली एक बात बताना, अगर मैं ठीक है वो रिवाइव वाले जो भाई जंप कर रहे थे उनको छोड़ देता, ठीक है, मतलब वहाँ पे मैं नहीं मारता और जो नीचे से रश करता, मुझे भी लगता ना ये वाला मीटअप वाला है, आपको भी लगता, तो ये क्या ये बंदा नीचे से छोड़ देता हमको? आप खुद बताओ, ईमानदारी से बताना एक बार। आखिरी बंदा था, ये भी मार रहा था गाइस VSS से, इसको भी डाउन किया। अब देखो दो बंदे बाहर के थे, आई गेस तीन बाहर के थे पता नहीं, लेकिन आप एक बात ऑनेस्टली बताओ, लाइक अचानक से जब आपको लग रहा है कि आप नॉक हो रहे हो तो आप जंप करोगे और फिर लाइक अगर मैं आपको नहीं मारता वहाँ पे, आप मुझे बताओ नीचे से आपका टीममेट आता हुआ छोड़ देता? गाइस प्लीज़ ऐसे नहीं किया करो, रिक्वेस्ट है बहुत। लाइक मैं मीटअप करना अच्छा लगता है, बट आप खुद बताओ, अगर आप अगर मर जाओगे ठीक है आप नेक्स्ट गेम लगा लोगे, लेकिन अगर मैं मर गया ना, क्या पता अभी मेरा ये वाला गेम प्ले जैसे बन गया ना बन पाता, समटाइम पूरा पूरा दिन हो जाता है गेम प्ले नहीं बन पाता, तो लाइक छोटी सी गलती की वजह से पूरा पूरा दिन ज़ाया जाता और वीडियो नहीं आती, फिर आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। आप ऑनेस्टली बताओ, लाइक अपने दिल पे हाथ रखे कि अगर मैं उस बंदे को नहीं मारता नीचे से आने वाला अरबी, मुझे क्या पता अरबी है, आप भी ये समझते कि जम करा तो पाकिस्तानी है सारे, तो क्या वो छोड़ देता, ऊपर आके डाउन कर देता, फिनिश कर देता सीधा सीधा? तो जब तक आप चारों के चारों मीटअप ना करना चाहते हो ब्रो, आप नहीं किया करो, जंप कर लिया जंप तभी कर किया करो जब आप सबने मीटअप करना है, वरना मिक्स होते हैं ना। तो मैं बहुत बार ऐसे मरा हूँ पता है, पाकिस्तानी भाइयों से ही मरा हूँ, मैं मार रहा होता हूँ, एक दो नॉक किए वो जंप करेंगे, मैं गन छोड़ दूंगा, उनके दूसरे टीममेट मार देंगे। अब बाद में आप बेशक अपने टीममेट को बुरा भला बोलो, ना मेरा मैच वापस आएगा ना लाइक जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो वापस आएगी, तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, आप समझने की कोशिश किया करो। तो अब वहाँ देख लो गाइस, दिल पे याद रख के बताना कि मेरा वहाँ पे ठीक फैसला था या नहीं था गाइस स्कूल में। लेकिन फिर भी भाई आप जंप कर रहे थे, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, सॉरी। उस टाइम फाइट में मैं आपको लाइक बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग फिर भी गिला करोगे, तो मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि माजरत वहाँ पे मैंने आपको डाउन कर दिया। गाइस बगी जा रही थी, यहाँ पे मैंने नॉक किया, फिनिश करेंगे। और फ्लेयर भी चलाई थी हमने स्कूल में आके, यानी सियालकोट में आके हमारी आ गई थी फ्लेयर गन का ड्रॉप। तो ड्रॉप में गाइस पॉज करो वीडियो और बताओ कौन कौन सी गन आने वाली हैं, रोक दो, देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी, बताओ कौन कौन सी गन है। तो ड्रॉप में आई थी हमारी पहली मोहब्बत AWM और ग्रोज़ा आई थी। ग्रोज़ा मैंने नहीं लेनी थी, बट जब आपने ग्रोज़ा चलानी होती है ना, वो आपको आगे जाके भी मिल जाएगी। और हमारे टीममेट जिनके लाइक टीममेट भूखे लूट के उनके बैग से हमें मिल जाता है 8x, हमारे टीममेट इतने भूखे होते हैं लूट के। तो फिर गाइस हम वहाँ से निकल आए और सामने चली थी फ्लेयर, और ये फ्लेयर किसी लेजेंड भैया ने ना LEGEND लेजेंड इतनी ओपन में चलाई थी ना, मतलब सलूट है दोनों हाथों से सर को। आप भी सलूट करो अगर आप एक हाथ फ्री है ना, तो भाई के लिए सलूट इतनी ओपन में फ्लेयर चलाने के लिए। अब भाई जब ओपन में फ्लेयर चले तो मैं नीचे नहीं गया गाइस, क्योंकि हाइट पर होती है तो आपको अच्छे से नज़र आता है। तो मैं यहाँ पर रुक के वेट करने लगा कि जैसे ही भाई आएंगे उनकी हम बैंड बजाएंगे, कान के नीचे लगाएंगे, क्रेट बनाएंगे। तो वेट करने लगे, कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो भाई जो है ना वो लेफ्ट पे जो शैक आपको नज़र आ रहा है उसके पीछे हैं, लेकिन फिलहाल तक हमें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, तो वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ड्रॉप आता है तो भाई भाग के आ रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन भाई बहुत लो होंगे लेकिन ज़िंदा बच गए। अब गाइस यहाँ पे जो है ना हमें कुछ प्लान करके रश करना था। अब मुझे नहीं पता ना कि इसके बाकी टीममेट्स हैं भी या नहीं, तो मैंने टीममेट को बोला कि आप गाड़ी लेके जाओ और जैसे वो निकलेगा मैं ओम से कवर दे दूंगा। तो हमने ऐसे किया, एक टीममेट गया गाड़ी लेके रश करने के लिए और मैं एम करके खड़ा हूँ कि जैसे वो नज़र आएगा। अब उसको बॉडी नज़र आएगा, हेड था लेकिन मैं मारा बॉडी रजिस्टर हुआ, तो मैं टीममेट को बताया कि उसको ओम की बॉडी लगी है, आप रश कर सकते हो। उसके बाद मैं दोबारा ओम ओपन करके बैठूँगा, जैसे ही आएगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो लेकिन वो बंदा लो है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली थी टीममेट के लिए, तो उन्होंने डाउन कर दिया, हेल्थ भी ज़ाया नहीं हुई उनकी क्योंकि ये बंदा लो था। ओम मतलब जब लगी तो आधी से कम हेल्थ रह गई होगी। फिर हम गए आगे की तरफ, वो भाई के पास थी ग्रोज़ा, तो मैंने M4 की जगह ग्रोज़ा उठा ली क्योंकि मेरे पास एक स्नाइपर है, तो मुझे एक पावरफुल गन चाहिए थी क्लोज के लिए, क्लोज रेंज के लिए, इसलिए गाइस मैंने ग्रोज़ा उठा ली, M4 ड्रॉप कर दी। और ग्रोज़ा उठाने के बाद बाबा जी हमें ऐसे निकलना पड़ेगा, और मतलब देखो गाइस आप लास्ट में देखोगे मीटअप होगा, और आपको जो मैंने बात रोज़ा वाली बताई थी ना, अब वो आप आगे जाके देख भी लोगों कि ऐसा सच होता है। मैं आपको
लाइक इसी वीडियो में आपको एग्जांपल मिल जाएगी। तो पता मुझे बहुत बुरा लगता है कि मीटअप नहीं हो पाता, लेकिन आप ना वीडियोस कम देखते हो, मैं गेम प्ले ज़्यादा ट्राई करता हूँ। तो हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं मीटअप कर लेता हूँ और फिर मार देंगे। और मैं तो टिकटॉक पे वीडियोस भी डाल दी, लेकिन वहाँ पता है लाइक फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे पोस्ट कर देना। तो फिर मैं डालना बंद कर दिए वाली वीडियोस के जो मुझे बातों में मार देते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो वीडियोस पोस्ट नहीं करता गाइस। कार वाइड हो गई थी, यहाँ पे मेरी टीममेट कार को मार रही थी, और जैसे ही कार रुकती है मैं समझ जाता हूँ कि अभी हल्का हो जाएगा, तो मैंने गाड़ी रोकी। भाई जैसे रुका, भाई को मौका ही नहीं दिया, और फिर फ़ौरन से फिनिश करके रीलोड करके गन हम निकलेंगे जोन में, क्योंकि जोन नहीं था। अपनी गाड़ी भगाने के बाद गाइस हमें थोड़ा दूर जाके ना, पहले हमने मेंशन देखा, मेंशन में कोई नहीं मिला। उसके बाद हम जा रहे थे ऊपर वाले घरों में, वहाँ बंदे हो सकते थे क्योंकि एकदम मिडल में वही घर जोन में थे। हमने फुल बूस्ट मारा अपनी गधा गाड़ी भगा के, हम लोग रोकी थ्री सीटर थ्री स्टोरी के पास, और थ्री स्टोरी में भी दो दो बंदे हैं। और यहाँ देखोगे एकदम भाई वो फुल फैशन में थे, जैसे गैस कैन रख के बैठे थे, नेट वेट कर रहे थे। तो हम लोग दाखिल हुए, दो बंदे थे, मुझे लगा पहले एक है, तो मैंने टीममेट को बोला भाई आप पहले जाओ, अगर आप नॉक हो गए ना मैं कवर दे दूंगा, मैं हुआ तो आप कवर नहीं दे पाओगे। तो हमने ऐसे ट्रिक यूज़ की, लेकिन जब नेट आया तो दोनों नीचे भाग रहे थे और दोनों सीढ़ियों में फंस गए लॉल, क्योंकि नेट वेट फेंक रहे थे वो लोग, मॉली वॉली फेंक रहे थे। अच्छा दोनों डर के नीचे भागे, दोनों के दोनों सीढ़ियों में अटक गए। एक को डाउन किया मेरे टीममेट ने, दूसरे के लिए मैंने रश किया, लेकिन मॉली की हुई थी भाई ने सीढ़ियों में, तो मैंने दूसरे बंदे को भी डाउन किया। गाइस यहाँ पर क्या सीन होता है कि मेरा नेट चला गया था, आप देख सकते हो रीलोड हो रही है बार बार, देखो नेट गया हुआ है, पिंग मेरी हाई हो गई थी एकदम से। तो फाइनली जब नेट मेरा ठीक होता है, तो मतलब अपने जो ये सामने बंदे आ रहे हैं, देखो ये एनोनिमस की पब्लिक है। अब आप देखोगे ये मीटअप कर रहे थे गाइस, ठीक है, ये लोग कर रहे थे मीटअप, और जैसे ये क्लोज आएंगे ना आप देखना, दोनों जंप कर रहे थे दूर से, हमने नहीं मारा, टीममेट ने नहीं मारा। अब ये जैसे ही करीब आएंगे आपको रोज़क वाली बात की समझ आ जाएगी, हालांकि ये दोनों पाकिस्तानी हैं तो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं। ये देखा गाइस हमेशा ऐसे होता है, लाइक मीटअप करेंगे और फिर मार देते हैं। लेकिन पता है मुझे ना शक हो रहा था, मैं हमेशा अपने टीममेट्स को बोलता हूँ कि देखो मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन ना जिस बंदे पे आपको शक हो ना ये मार सकता है, गन निकाल ले, तो आप उस पर एम रखना। मैं अपने टीममेट को पहले से ऐसे बोल रखा था, तो इनको इन्होंने ना गन निकाल रखी थी अपनी, और जैसे उसने नॉक किया तो मुझे कवर मिल गई, वरना भाई फिनिश हो जाता मैं। लेकिन ये बात, ये वाले भाई बहुत अच्छे थे, सिर्फ ये मीटअप कर रहे थे, इनके बाकी टीममेट्स जंप कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद था मार दें और फिर लाइक वीडियो वगैरह बना लें, एनोनिमस को मारा, वो सीन था। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा था, और फिर मैंने भाई को बोला कि भाई आप चिकन ले लो, फिर हमने अपने भाई को चिकन दे दिया, ये रावलपिंडी से ही हैं भाई हमारे। और फिर मैं आम अपने इनको गिराई कि भाई आप आम ले लो, आप फिनिश कर दो, चिकन डिनर आप ले लो। तो पहले हमारे कान के नीचे लगी आम की गोली, ठा करके मारिए सर, 1 2 3 मारिए, ठा, अरे लगी नहीं, ठा लगी नहीं, ओके लग गई। और फिर मैं लाइक मैं चाह रहा था कि इमोट हो ऐसे, और जब ये ठा होता ना तब आप गोली मारो। भाई को मैं ऑल पे बता रहा था कि ये इमोट करेंगे जैसे ही आप जब गिरने वाला होगा ना टीममेट, मैं आपको बताऊंगा भाई फायर, और आप फायर कर देना। तो दो बार तो फेल हुआ, हेल्थ कम हुई, बट तीसरी बार हमने दोबारा ट्राई किया कि जैसे ही इमोट से गिर रहे होंगे हम दोबारा से ठा करेंगे, ठा किया, और बस फिर सीधा ही खड़ा हो गया बंदा, इमोट ख़त्म हो गया था। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरी कृपा बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, हमारे 100 की फैमिली वहाँ पे होने वाली है, तो आप लोग जाके प्लीज़ मेरी हेल्प करो 100 के करने में। और बाकी लव यू एनोनिमस की पब्लिक, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।